वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज का सेशन बिजनेस मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो जिनका ईआर आया हुआ है, बैक आया हुआ है, और एक वो जिनका अभी एग्जाम्स हैं। तो दोनों ही स्टूडेंट्स इस बात को समझिएगा कि बिजनेस मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, और जिनका बैक या ईआर जिनके पास में जिनकी लग गई है, वो बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके ईआर लगने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि सिलेबस इतना ज्यादा था, क्योंकि कहने को 5 यूनिट्स है, कहने को 5 सवाल पेपर में, लेकिन एक यूनिट के अंदर एक एक टॉपिक को कवर करने में कितनी डिटेलिंग है और एक यूनिट के अंदर कितने सारे टॉपिक्स आपके बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग टॉपिक सिलेबस सबसे बड़ा सिलेबस आपके पास में बिजनेस मैथ्स का, इससे बड़ा सिलेबस है बिजनेस मैथ्स से बड़ा एक सिलेबस है आपके बीकॉम में, वो बिजनेस स्टैट्स का है। लेकिन मैं बिजनेस मैथ्स के बारे में बात करता हूँ, इसका सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है, और यहाँ पर बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पर बैक ला करके बैठ गए हैं, जो कि पहले जिन्होंने नहीं पढ़ा था। वो क्यों नहीं बैक, पैक कैसे आई उनकी, या तो उन्होंने उस सेल्फ के भरोसे रह गए कि लास्ट के 2 साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए और पेपर जाके बैठ जाएंगे, या फिर बीकॉम मैट्रिक्स है ये तो हमारे 12th 11th वाला, ये तो हमारे पास में अच्छा कैलकुलस है तो पहले वाला हमारे पास में, इस भरोसे में रह गए, यहाँ पे ऐसा कुछ निकला नहीं, यहाँ पे तो एप्लीकेशन था मैट्रिक्स, एप्लीकेशन और मैट्रिक्स था, यहाँ पर कैलकुलेशन में भी कैलकुलस में भी आपके पास एप्लीकेशन आया, इंटीग्रेशन के भरोसे बैठे थे, एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन पेपर में आता है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में सिंपल एंड कंपाउंड सोच के बैठे थे, और यहाँ पे एनओटी से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, तो ये पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो बिल्कुल अलग ट्रैक होता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्लासेस लेने की नीड रहती है। दूसरी बात कि आप एग्जाम के टाइम पर अगर आपने कोर्स ज्वाइन भी किया, खैर मेरे पास में तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ से हुए हैं पास, सारे पास हो गए मैक्सिमम क्या, बट वो बच्चे जो कि बैक लगा हुआ है, हो सकता है कि उन्होंने लास्ट में कुछ स्टार्ट किया हुआ कहीं से भी सेल्फ स्टडी या कोई भी कोचिंग से, और लास्ट मोमेंट में आप स्टार्ट करेंगे 15-20 दिन पहले, तो आपका स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं रह जाता, क्योंकि आप तब भी पास नहीं होंगे। ये बातें मैं देखिए सत्य की घड़ी में बात मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी शुरुआत नहीं हो सकती है, आज से आप 20-25 दिन और लेट हो जाएंगे, तो शुरुआत का कोई फायदा मिलेगा नहीं, बैक लगेगी, और चलो बैक ना भी लगे और आप सीधा बॉर्डर पे पास हो गए, उसका फायदा क्या है, क्योंकि आगे चल करके आपकी प्लानिंग है बड़े बड़े एग्जाम्स को देने की, आप जो है IIM से MBA का सपना देख रहे हैं, इसमें कि 32-33 लाख रुपए एवरेज पैकेज रहता है आप किसी भी कॉलेज से करेंगे, तो उसके लिए आप जाएंगे कैसे, आप बोलेंगे चल मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेंगे हम कैट के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन वहां पर आपका इंटरव्यू में आपका बैकग्राउंड तो देखा जाता है ना कि आपका कॉलेज की परफॉर्मेंस क्या रही, नहीं तो आप इस तरीके से अगर आप बिल्कुल कम कम मार्क्स लेकर के आएंगे तो फिर वहां पे आपका एडमिशन नहीं होगा, फिर आप कहीं से भी MBA कर लो 20-25 हजार के लायक ही रहेंगे आप, तो ये सच्चाई है। इसलिए आप अपने आप को सिर्फ पासिंग मार्क्स तक के लिए मत रखिए, आप अपने आप को फुल स्कोर तक लेकर के जाइए, क्योंकि पूरी तरीके से डेडिकेटेड आप इस समय अपने बीकॉम ऑनर्स को करने में लगे हुए हैं। तो अब आइए मैं बताता हूं कि बिजनेस मैथ्स को आपको किस तरीके से कवर करना है। सबसे पहले वो बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, जो मतलब नए जुड़ रहे हैं, उनके साथ में पुराने बच्चे भी समझ जाएंगे। सबसे पहले ये देखिएगा, ये आपके फोन का अपना इंटरफेस है, जिसमें सबसे काम की चीज इस समय जो बीकॉम के या बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए है वो शिक्षाधाम ऐप। इस ऐप को आप ओपन करेंगे, अब जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं बच्चे, तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो ये आपके पास में ऐप को ओपन करते हैं इंटरफेस आएगा। अब इसमें आपके पास में एक माई परचेज कोर्स आपके पास में है ना, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर जो कोर्स आपने ले रखा है ये आएगा, अभी ऑफर में है 475 के आसपास, कुछ इसी तरीके से कुछ कोर्स का होगा। एक बार टीम का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही आपको कॉन्टेक्ट टीम कर लेगी, तो आपको वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि कोर्स में, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 475 है, होली ऑफर है अभी, और एक मंथ का फीस नहीं है, ये पूरे कोर्स का फीस है। इसमें क्या करवाएंगे वो सुनिए आप। इसमें देखिए आपके पास बिजनेस मैथ्स का कोर्स है, बिजनेस मैथ्स के कोर्स में अगर आप जाते हैं तो बिजनेस मैथ्स के कोर्स में कंटेंट है, कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे, कंटेंट में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ चीजें ये हैं, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि भाई क्या क्या टॉपिक्स पढ़े जो एग्जाम के लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करेंगे, ये वो है। अभी मत इंपॉर्टेंट के पीछे जाएंगे आप। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि सिलेबस, यहाँ पे डेमो क्लासेस, लेटेस्ट क्लासेस है, और इस तरीके से अगर हमें लेटेस्ट क्लासेस में आपको जाना है, लेटेस्ट क्लासेस में गए तो यहाँ पर कोर्स कंटेंट है। कोर्स कंटेंट मीन्स क्या है कि आपका सिलेबस क्या है, और एक PDF है बिजनेस मैथ्स फुल सिलेबस। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सिलेबस क्या है, तो ये चीज हम ओपन कर देंगे, कोई भी स्टूडेंट जाके देख सकता है कि भाई हमारा सिलेबस क्या है। अब सिलेबस आपके बेसिकली 5 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। यूनिट 1 का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, यूनिट 2 का नाम है आपका बेसिक कैलकुलस, यूनिट 3 एडवांस कैलकुलस, यूनिट 4 आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, और यूनिट 5 आपके पास में लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये 5 यूनिट है आपके पास में, और 5 यूनिट में अब क्या क्या टॉपिक्स है, तो आप आइए सबसे पहले यूनिट 1 के अंदर आपके पास में क्या टॉपिक है, तो अगर आप देखते हैं तो सारे टॉपिक्स लिखे हुए कि यूनिट 1 के अंदर ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, यूनिट 2 के अंदर ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि जैसे ही आप अपने लेटेस्ट क्लासेस में जाते हैं तो आपके पास सिलेबस मिल गया। अब इसमें क्या है आपके पास में टोटल, आप देखेंगे यूनिट 1 मैट्रिक्स है, यूनिट 2 बेसिक कैलकुलस है, यूनिट 3 एडवांस कैलकुलस है, यूनिट 4 मैथमेटिक्स फाइनेंस है, यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग है। आप मैट्रिक्स से पहले जाते हैं तो कैसे आपको मिलेगा, मैट्रिक्स के अंदर गए तो 3 फोल्डर मिलेंगे, एक टॉपिक्स मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये टॉपिक्स आपके सामने है।
उसके बाद फोल्डर नंबर टू में आपको मिलता है कि टॉपिक वाइज क्लासेस, जो टॉपिक है उसी क्लासेस का है, तो वो क्लासेस आपके यहाँ पर है। तो आप जाएंगे तो देखिए क्लासेस आपके पास में, और कितनी क्लासेस आपके पास में, ये देखिए आपके पास में 21 वीडियोस सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की है, जिसके अंदर मतलब मान के चलिए एक महीना तो आपको सिर्फ एक यूनिट खाना है, प्रैक्टिस भी करनी है आपको, क्लासेस भी देखनी है आपको। और उसके बाद फिर आपके पास सबसे कमाल की चीज है जिसको मैं रामायण कहूंगा। आप बोलेंगे सर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का रामायण दे दो, आप ब्रह्मास्त्र बताओ इसका कोई मतलब कुछ संजीवनी दे दो आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का, जो पेपर में क्वेश्चन मिस हो ही ना, तो वो है PYQ ऑफ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या रहेंगे, ऐसा 2024 चल रहा है, तो 2019 से लेकर के 2023 तक के जो भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स से जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं लेटेस्ट 3 से 4 साल 5 साल तक के, और उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा के वीडियो अरेंज करवाऊंगा। वो सबसे बड़े काम की चीज है आपको, लेकिन वो कनेक्ट तब कर पाओगे आप जब आपने पीछे पूरा अपना बेस क्लियर कर रखा है। डायरेक्ट आप कूद जाओगे इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप ज्यादा पैनिक हो जाओगे, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके पास में मान के चलिए कि सबका निचोड़ ये रहेगा आपका, क्लियर है बच्चे। तो कितने शानदार तरीके से कि अगर एक यूनिट है तो उसका टॉपिक क्या है, उसकी वीडियोस कहाँ है, उसके PYQ कहाँ है। तो कहते हैं बच्चे सर PYQ करवाओगे क्या, तो साथ साथ होगा, यूनिट वाइज होगा आपका। उसके बाद सिर्फ यूनिट वन में नहीं, ऐसा यूनिट टू के अंदर भी, आप यूनिट टू देखेंगे जरा, तो यूनिट टू के अंदर भी यही 3 फोल्डर मिलेंगे आपको कि यूनिट टू के अंदर टॉपिक्स आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो आपके मन में सवाल है तो ये देखिए, ये टॉपिक आपको यूनिट टू के अंदर कवर करना है, और यूनिट टू के अंदर आपके पास में टॉपिक बेस्ड क्लासेस कौन कौन सी है, ये क्लासेस है टॉपिक बेस्ड क्लासेस, इसमें कैलकुलस ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन है। अगर आप में से बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हमारे जो है मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो हम किस तरीके से मैथ्स को कवर करें, बच्चे आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपके पास 11-12 छोड़िए, आपके पास 10वीं में भी गणित नहीं होगी तब भी आप समझ जाओगे, क्लियर है। वैसे 10th में तो हर बच्चा पढ़ता है, मगर मान के चलते हैं किसको याद रहता है 2 साल में मैथ्स जीरो ही हो जाती है, तो उसके बाद भी मैं आपको उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आप एग्जांपल दे सकते हैं, मीनिंग एंड बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपके पास में बताया हुआ है, चेन रूल, एक एक रूल बताया हुआ है यहाँ पर आपको, देख रहे हैं आप। सर सिर्फ वीडियोस नहीं है कि वीडियो है तो PDF कहाँ है भाई, PDF उसी के नीचे है सर, देख रहे हैं आप कितने छोटे छोटे रूल्स आपको बताए हुए हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन बता रखा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, और इंट्रोडक्शन बताने के बाद फिर आपके पास में अगर हम क्लास 2 में जाते हैं तो देखिए रूल्स हैं आपके पास में कि कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास में, 7/3x की क्यूब, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप, ये x^5 + x^2 कैसे, देखो बेसिक बेसिक बात बताया हुआ है आपको, तभी तो इसलिए बेसिक में 2-3 वीडियो 2-3 लेक्चर लग जाते हैं, बट ऐसी बात नहीं है सर बेसिक ही है आपका, बच्चे। तो ये आपके यूनिट 2 है। अब यूनिट 3 पर अगर आप जाते हैं तो यूनिट 3 पर आपके एडवांस कैलकुलस है, इसके 3 वही सेम फोल्डर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके पास में यूनिट 3 हो, चाहे आपके पास में यूनिट 4 हो या यूनिट 5 हो, सिमिलर यूनिट मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में 23 लेक्चर हैं आपके पास में, वही 3 फोल्डर आपके पास में ऐसे हैं। तो 3 टॉपिक्स क्या क्या है, वीडियोस कहाँ हैं, और उसके PYQ कहाँ है, तो तीनों ऐसे अरेंज करवा रखे हैं। बट आप समझ रहे हैं इस चीज को कि आपका सिलेबस कितना लेंथी, अगर आप देखें तो आप देखिए इस बात को, समझिए इस चीज को कि आपका सिलेबस जो है, अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट 1 में आपके पास में 21 लेक्चर है, 21 लेक्चर आपके पास में यूनिट 1 में है अगर आप देखें तो। यूनिट 1 के अंदर आपके पास में 21 लेक्चर है, ठीक है बच्चे, और आपके पास में यूनिट 2 के अंदर 18 लेक्चर आपके पास में होंगे, यूनिट 3 के अंदर आपके पास में 11 लेक्चर है, यूनिट 4 के अंदर आपके पास में 23 लेक्चर है, और यूनिट 5 के अंदर आपके पास में 9 लेक्चर है। तो आप देखिए इस चीज को, 9, 10, 13 और 22, 4, 5, 6 और 2, 8, 82 क्लासेस आपके पास में हैं। तो 3 महीने आपको कम से कम डेली एक क्लास भी अगर डिस्प्ले में देखें तब भी 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन आप लोग 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो 2 क्लासेस आप दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करा कि आप अभी भी लेट हो चुके हैं, बट फिर भी फुल स्कोर की अगर हम बात करें तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। फुल स्कोर करने के बारे में अगर आप सोचेंगे तभी आप कामयाब है, तो ये इस बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स का कोई फायदा आपके लिए नहीं है अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो, क्लियर है बच्चे। तो ये आपका कुछ सिलेबस है। अब कैसे, अब जैसे कि आपके पास में 21 वीडियो है, अब मैं एक चार्ट इसमें शेयर करूंगा कि जिसमें डाउट क्लासेस कब रहेंगी। अब आफ्टर 1 वीक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के जो है 1 वीक तक डाउट सेशन रहेगा, तो आपके पास में मैं दे रहा हूं 1 वीक का समय, वो सारा एक चार्ट आएगा, चार्ट के साथ मैं अगला लेक्चर लेकर के आऊंगा कि ये इस तारीख से इस तारीख तक आप मैट्रिक्स पढ़ें, गाइडेंस चार्ट होगी वो कि इस तारीख से इस डेट तक आप पढ़ें, उसमें आपको 20 लेक्चर है तो आपको 10 दिन दिए जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज इसके डाउट आपके लिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास में सेकंड यूनिट चालू हो जाएगा, फिर उसके लिए टाइम दिया जाएगा कि इसमें आप वीडियोस कवर कर लो, देन उसके बाद आपको 1 वीक दिया जाएगा कि आप इसके अपने डाउट्स पूछ लो। तो इस तरीके से आपके जो है डाउट्स लिए जाएंगे, तो आपको बड़े अवेयर रहना है,
अच्छे से करना है और गुड लक, और सिर्फ पास ही नहीं होना है, इस बार आपको तोड़ना फोड़ना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, पूरा आपको 100% के लिए जाना है। क्लियर है बच्चे? और मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ में है, आप बस जो है अपने कोर्सेज के थ्रू आप भी मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। इंपॉर्टेंट नंबर क्या है आपके पास में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप कैसे भी आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। हमें एक्सेस करने के बाद आप टीम से कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, फोन नंबर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, करते ही आपको टीम कॉन्टेक्ट कर लेगी, नहीं तो आपके पास में यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर, जिसमें कि डाउट फैकल्टी का नंबर होगा, टीचर का नंबर होगा, और जो टीम है जिससे आप कोऑर्डिनेट करके अपने किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हैं कि हम ऐप कैसे इंस्टॉल करें, कोर्स कैसे लें, कूपन क्या लगाएं, ऑफर क्या हम लें, वो आप इस कॉन्टेक्ट टीम है उससे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।